इससे बोरिंग मूवी मैंने देखी नहीं है। बढ़िया थी मूवी, बहुत अच्छी थी, मजा आया मूवी देखने में। मूवी बहुत अच्छी थी अटल, और मैं इसे देखकर काफी इंस्पायर हुआ हूँ। मूवी अच्छी थी, 2.5 में देना चाहूंगा आउट ऑफ 5। और फर्स्ट हाफ फिर भी अच्छा था इसका, पर सेकंड हाफ थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी, बिकॉज एज अ यूथ मेरे को खुद भी बहुत अच्छी लगी मूवी। और बीइंग अ पॉल साइंस स्टूडेंट, मैंने जो जो पढ़ा है वो मुझे देखने को मिल रहा है। और जैसे कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की हिस्ट्री, बीजेपी की हिस्ट्री, एंड स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए, वो भी दिखने को मिला। मूवी बहुत अच्छी है, नो डाउट, माइंड ब्लोइंग है, फैबुलस। बड़ी बोरिंग लग रही, वो बड़ी बोरिंग है, मतलब इससे बोरिंग मूवी मैंने देखी नहीं है। मतलब मैं अपने वर्क से, अपने काम के बाद मैं ये थिएटर में पिक्चर देखने आई हूँ, और फर्स्ट हाफ इतना बोरिंग था कि मुझे कसम से मैंने 2 ग्लास कॉफी पी इंटरवल में, तो मेरी ऐसे नींद खुली है। स्टोरी इज नाइस, बट मैं अगर एक्टिंग की बात करूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो पंकज त्रिपाठी ने रोल निभाया है, बेसिकली उनके ऊपर वो इतना जच नहीं रहा है। एक होता है ना कि आप कोई रोल कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ हमें वो दिख रहे हैं, आपने उनकी पूरा ऑलमोस्ट वो चीज़ें करके दिखाई है, अटल बिहारी वाजपेयी का एक एक किरदार को अच्छे से निभाया है, बट एक झलक नहीं हमें दिखी। मूवी के बारे में कहने लायक कुछ नहीं है, देखने लायक है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि थिएटर तक आना चाहिए लोगों को, चाहे वो जवान हो चाहे वो उम्र दराज हो, आए एक बार मूवी को ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा अटल बिहारी का जो जीवन था वो पूरा कैसे संघर्षों से गुजरा। उन्होंने शादी नहीं की, एक छोटी सी लिटिल बिट कह सकते हो उनका एक क्रश भी उनकी लाइफ में था, और उसी के साथ उन्होंने अपना एक फैमिली बनाई। वो किस तरह से बनाई वो आप इस मूवी में देख पाएंगे, स्पॉइलर मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, बट उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था ये एक साथ, क्योंकि जानते हम सभी हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन एक पर्दे पर आकर उनकी पूरी कहानी को, उनकी पूरी पटकथा को इस तरह से सबके सामने रख दिया, वो बहुत बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ था। और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे पहले बात तो पंकज त्रिपाठी ने एक्टिंग भी बहुत बढ़िया की है, मतलब हमें पंकज त्रिपाठी नहीं नज़र आ रहे थे, हाव भाव से बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी नज़र आ रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी से कोई द्वेष तो कर नहीं सकता, ऐसे नेता हैं कि सबको अपने में समा कर चलने वाले, वो चीज़ हमें स्क्रीन पर भी नज़र आई मूवी में। बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, अटल जी का रोल पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छा किया। अटल में थोड़ी जो अटल जी की एक्टिंग की उन्होंने थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी उसमें देखने को मिल सकती है, बाकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मतलब पंकज त्रिपाठी को तो हम जज ही नहीं कर सकते, उनकी ऐसी एक्टिंग है। पंकज त्रिपाठी इज एनीवे द टॉप नॉच एक्टर्स ऑफ दिस टाइम एज वेल, और सबकी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, सारे एक्टर्स की बहुत अच्छी हुई है। इनफैक्ट गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, बट इट्स एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टर्स बट बिकॉज ऑफ द फिल्म मेकर्स की वो पिक्चर बोरिंग है। ट्रेलर में तो मुझे लगा था कि नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा भाई, क्यों कर रहे हैं, क्यों ये किरदार चूज कर लिया पंकज त्रिपाठी, अपने लाइफ की शायद सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, लेकिन मज़ा आ गया। आप आएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा देखकर। ये किसी के कैरेक्टर में तो हम पूरा का पूरा नहीं निभा सकते, लेकिन हाँ पंकज त्रिपाठी ने उनके कैरेक्टर में जो ढलने की कोशिश की है काफ़ी अच्छी है। और साथ में पंकज त्रिपाठी के पापा का जो रोल किया है पीयूष मिश्रा ने, उन्होंने भी माइंड ब्लोइंग नो डाउट जबरदस्त एक्टिंग की है। कुछ इतिहास पता होंगे, लगता है कि इतिहास में खड़ी उतरती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम। एग्जैक्टली हम सेम कह सकते हैं, बट काफ़ी मूवी को अच्छा बनाने के लिए तो काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई होती ही हैं, तो जो डायरेक्टरों को लगा कि जो कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता था उन्होंने वो चीज़ें पॉइंट आउट नहीं करी, उसको थोड़ा सा हिडन रखा। हाँ ये मूवी है तो थोड़ा बहुत तो मसाला देंगे क्योंकि मूवी दिखा रहे, वरना हम जैसे ऑडियंस भी बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा तड़का तो बनता है ना। बॉलीवुड वाला कुछ नहीं था, जो फैक्ट उनकी स्टोरी के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ के बारे में हम सब जानते हैं, हमने कहीं पढ़ा है, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर भी कहीं भी हमने जो पढ़ा है वही सब दिखाया गया है। ऐसा उसमें ऐसा कुछ नहीं मिर्च मसाला डाल के चीज़ें दिखाई गई हैं या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैंने आपको बताया ना, ये इंस्पायरिंग हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बहुत होगा, और जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्टोरी अच्छी है, जो आज के टाइम में लोगों को देखना चाहिए वो है इसमें, और मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए जल्दी जल्दी। स्टोरी की, अटल जी की स्टोरी बहुत अच्छी है। अटल जी की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने अगर एक चीज़ ठान ली तो वो करके ही दिखाई है, मतलब जो उन्होंने एक चीज़ ठानी है ना ये मुझे करना है, उस चीज़ से वो पीछे नहीं हटे, वो ही काफ़ी अच्छी थी, सीख लेनी चाहिए इस मूवी से। सेकेंड हाफ जो है मूवी का स्टिल बेरेबल है, क्लाइमेक्स जो है वो बहुत अच्छा है, क्लाइमेक्स इज गिविंग यू गूज बम्स, और वो भी मुझे इसीलिए लगता है कि वो कारगिल की स्टोरी सुनाते हैं, एंड व्हेनेवर देयर इज यू नो कारगिल का जिक्र होता है तो एवरी इंडियन
गेट गूज बम्स. एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं, उन पर बायोपिक है लेकिन बायोपिक कम डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लगती है. सो आई वुड हैव सजेस्टेड अगर उनसे किसी ने पूछा होता कि ये थिएटर में मत करो भैया, ओटी पे रिलीज़ कर दो, मैं अपने काम के बाद आके थिएटर में सोने नहीं आऊँगी, मैं ओटी पे कभी और से शांत मन से खुले दिमाग से तब देख सकती हूँ. कुछ कुछ जगह थी जहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि होनी चाहिए थी और ज़्यादा एक्टिंग, क्योंकि अब जैसे बींग अ स्टूडेंट मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कैसे, उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया, जो कि ठीक था क्योंकि वो पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती थी मूवी, बट ओवरऑल मूवी अच्छी. अगर हम बात करें कि अभी ट्रेंड मुद्दा चल रहा है मूवी में जबरदस्ती मूवीज को राम जी से कनेक्ट किया जा रहा है, तो कुछ ऐसा लगा कि जबरन कनेक्ट किया जा रहा हो राम जी से? नहीं, अगर मूवी को राम जी से कनेक्ट करना होता तो फिर वो भी तो वही बीजेपी ने भी तो वही करा, जहाँ पे जैसे कि एज अ स्टूडेंट मैंने जितना पढ़ा है कांग्रेस वो पार्टी थी जो देश के लिए कर रही थी और बीजेपी वो पार्टी है जो एक रिलीजन की वजह से अभी आई है पावर में, और एज प्रेजेंट में देखा जाए तो बीजेपी के अलावा और कोई पावरफुल पार्टी है नहीं. और रही बात मूवी की, तो मूवी ने जो भी वही दिखाया जो वो है. लगेगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर करेगी अच्छा पर कर सकती है, डिपेंड्स कि पब्लिक को क्या पसंद आता है. फाइव में से चार मतलब 4 स्टार रेटिंग तो मिलनी चाहिए. साथ में मैं पीयूष मिश्रा का भी बोलना चाहूँगी कि पिता के किरदार में बहुत अच्छा रोल प्ले किया. 2.5 में से 3 स्टार में देना चाहूँगा, 3. मुझे लगता है किसी भी प्रकार की ऑडियंस को शायद नहीं आएगी, मतलब सेकेंड हाफ तक अगर कोई रह रहा है तो फिर उसको आ सकती है पसंद, लेकिन एवरेज तो नहीं आएगी, बोरिंग है. फर्स्ट हाफ तो बहुत बोरिंग है. आई गिव इट 2.5 और 3. 3.5 4.5 4 4.5